साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। सोमवार को यानी 19 जुलाई को गंदी फिल्में बनाने के आरोप में मुंबई की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को अरेस्ट किया था। जब से राज कुंद्रा को अरेस्ट किया गया है तब से बॉलीवुड में भूचाल आया हुआ है। राज कुंद्रा की अरेस्टिंग पर अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कंगना रनौत जैसे कलाकार जहां राज कुंद्रा को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं, वहीं राखी सावंत और मीका सिंह जैसे आर्टिस्ट राज कुंद्रा को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर बॉलीवुड पूरी तरह से दो हिस्सों में बट गया है। मगर अब इसी बीच असली धमाका तो उस वक्त हुआ जब दो मॉडल खुद सामने आई और दोनों ने राज कुंद्रा की धज्जियां उड़ा कर रख दी। ये दोनों मॉडल राज कुंद्रा के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही देने को तैयार है। दोनों के खुलासे सुनकर आप भी कांप उठेंगे कि आखिर पैसे के लिए ये राज कुंद्रा और राज कुंद्रा जैसे लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। तो कौन है ये दो मॉडल, राज कुंद्रा के संपर्क में ये कैसे आई और राज कुंद्रा ने ऑडिशन के नाम पर कितनी गंदगी फैलाई, ये इन दोनों मॉडल ने खुलकर बता दिया। तो आप भी देखिए राज कुंद्रा के काले कारनामों का पूरा सच इन दोनों मॉडल के मुंह से। तो फिलहाल राज कुंद्रा अरेस्टिंग के बाद से 23 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है। शिल्पा शेट्टी के परिवार का चैन पूरी तरह छिन चुका है। शिल्पा शेट्टी को डांस रियलिटी शो ने भी बाहर का रास्ता दिखा दिया और सोशल मीडिया पर जो शिल्पा को फटकार लग रही है वो तो सोच से भी परे है। जिस काले धंधे को राज और शिल्पा पूरी दुनिया की नजरों से छिपाते आए वो यकायक सबके सामने आ गया और शिल्पा शेट्टी के अरब पति राज कुंद्रा को पुलिस अचानक उठा कर ले गई। पुलिस को अब तक तलाश थी कि ऐसी मॉडल्स या एक्ट्रेस खुद सामने आए जो कि राज की गंदगी का शिकार बनी हैं। तो अब दो मॉडल्स सामने आई हैं जिन्होंने राज कुंद्रा को पूरी तरह छील कर रख दिया। अब इनमें से एक मॉडल है सागरिका शोना सुमन जो कि अभिनय भी कर चुकी है। सागरिका ने राज कुंद्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक्ट्रेस और मॉडल सागरिका ने कहा कि राज कुंद्रा ने उन्हें ऑडिशन देने को कहा था और उसके लिए शर्त रखी थी कि वो अपने बदन के पूरे कपड़े उतारे तभी ऑडिशन होगा। जी हाँ, जिस बात को हमें बोलने में शर्म आ रही है उस बात को राज कुंद्रा ने सागरिका से कहा था। सागरिका ने राज कुंद्रा के खिलाफ आरोप लगाते हुए दावा किया कि राज कुंद्रा ने खुद एक वेब सीरीज के लिए उन्हें रोल ऑफर किया था और उसी के लिए उनसे ऐसा गंदा वाला ऑडिशन मांगा गया था। रिपब्लिक वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक सागरिका सुमन ने आगे कहा, मैं एक मॉडल हूँ और मैं 3-4 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। मैंने ज्यादा काम नहीं किया है। लॉकडाउन के दौरान कुछ चीजें हुई जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। अगस्त 2020 में मुझे उमेश कामत नाम के एक व्यक्ति का फोन आया जिन्होंने मुझे राज कुंद्रा द्वारा निर्मित एक वेब सीरीज ऑफर की। मैंने उनसे राज कुंद्रा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि राज कुंद्रा एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति हैं। इसके बाद मुझसे वीडियो कॉल पर ऑडिशन मांगा गया। मैं तय समय के मुताबिक वीडियो कॉल में शामिल हुई तो उन्होंने मुझे बिना एक भी कपड़े के ऑडिशन देने को कहा। जी हाँ, सागरिका से कहा गया कि वो अपने बदन के सारे कपड़े उतार दे तभी उनका ऑडिशन हो पाएगा। सागरिका का कहना है कि ये बात सुनकर मैं पूरी तरह चौंक गई और मैंने तुरंत मना कर दिया। सागरिका ने आगे कहा, उस वीडियो कॉल में तीन लोग थे, एक राज कुंद्रा खुद थे, क्योंकि राज कुंद्रा को मैं कई अखबारों और टीवी में देख चुकी थी इसलिए मैंने राज कुंद्रा को पहचान लिया। वहीं एक व्यक्ति ने अपना चेहरा ढका हुआ था और तीसरे व्यक्ति को मैं नहीं जानती। सागरिका ने मुंबई पुलिस से मांग की है कि राज कुंद्रा जैसे आरोपी को सख्त सजा दी जाए जो कि स्ट्रगल एक्ट्रेस को गंदे धंधे में धकेलता है। सागरिका ने आगे मांग की है कि राज कुंद्रा और उसके अलावा बॉलीवुड में इस तरह के रैकेट चलाने वाले सभी लोगों का पर्दाफाश किया जाना चाहिए। अब सागरिका के अलावा एक फीमेल यूट्यूबर ने भी राज कुंद्रा के खिलाफ बयान देकर सबको चौंका दिया। यूट्यूबर पुनीत कौर ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि राज कुंद्रा ने उनसे कुख्यात अश्लील ऐप हॉट शॉट्स के वीडियो में काम करने के लिए संपर्क किया था। पुनीत ने खुद अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है कि राज कुंद्रा ने उनका वीडियो देखने के बाद उन्हें हॉट शॉट्स के वीडियो में काम करने के लिए सोशल मीडिया पर मैसेज किया था।
पुनीत का कहना है कि उस वक्त मुझे लगा कि ये मैसेज स्पैम मैसेज है, मगर अब सच्चाई जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यूट्यूबर पुनीत ने अपनी अगली इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि पहले उन्हें लगा कि ये मैसेज स्पैम है। उन्होंने कहा, मैं भरोसा नहीं कर सकती कि ये आदमी कितना घटिया है। हमने सोचा कि मुझे भेजा गया ये मैसेज स्पैम है, भगवान इसे जेल में सड़ा दो। जी हाँ, यूट्यूबर पुनीत कौर ने राज कुंद्रा को घटिया आदमी बताया और भगवान से प्रार्थना की कि ऐसे घटिया आदमी को जेल में सड़ा दो। तो आप समझ सकते हैं कि राज कुंद्रा के कर्म कितने गंदे होंगे। यहाँ आपको बता दें कि अश्लील फिल्में बनाने के रैकेट में राज कुंद्रा का नाम पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे इस बिजनेसमैन पर कई गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें कुछ ऐप के जरिए पब्लिश करने के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में राज कुंद्रा को प्रमुख साजिशकर्ता के रूप में नोटिस किया है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर के बयान में साफ साफ लिखा है कि फरवरी 2021 में क्राइम ब्रांच मुंबई में अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें कुछ ऐप के जरिए पब्लिश करने का मामला दर्ज किया गया था। हमने इस मामले में 19 जुलाई 2021 को राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया है, क्योंकि वो इसके प्रमुख साजिशकर्ता प्रतीत होते हैं। इस मामले में हमारे पास पर्याप्त सबूत है और मामले की जाँच जारी है। मुंबई क्राइम ब्रांच का कहना है कि बाकायदा एक ऐप बनाया गया था और उस पर अश्लील फिल्मों को रिलीज किया जाता था। इस ऐप का नाम हॉट हिट मूवीज है। यही नहीं, मूवी का प्रचार इंस्टाग्राम, ट्विटर, सिग्नल, व्हाट्सएप आदि पर भी किया जाता था। मूवी को देखने वालों को ऐप डाउनलोड करना होता था, मूवी देखने के लिए पेमेंट भी करना होता था। पुलिस का कहना है कि इस ऐप के मालिक खुद राज कुंद्रा हैं और इसी वजह से राज कुंद्रा को प्रमुख साजिशकर्ता के रूप में देखा जा रहा है। अब फिलहाल तो शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा चारों तरफ से घिर चुके हैं। जो राज कुंद्रा खुद को बिजनेस का बादशाह बनकर घूमा करते थे, वो अब सलाखों के पीछे हैं और 23 जुलाई को कोर्ट में मुंबई पुलिस राज कुंद्रा को पेश करेगी और 23 जुलाई को राज कुंद्रा की किस्मत का फैसला लिया जाएगा। तो आपका राज कुंद्रा के इस काले कारनामों पर क्या कहना है? क्या बॉलीवुड के और लोग भी इस गंदे धंधे में शामिल हो सकते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।